हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। तो हमने एक ब्रेजा LXI मॉडल की वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें हमने आपको कंप्लीट एसेसरीज के बारे में बताया था, स्टीयरिंग कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, रिवर्स कैमरा, साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम, अलॉय व्हील्स वगैरह, वो सब कुछ वहाँ पे इंस्टॉल करा हुआ था। सो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं फॉर द एसेसरी पार्ट। एंड आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि एक बेस मॉडल की एक रॉ वीडियो भी शेयर करो कि एक्चुअल में बेस मॉडल हमें शोरूम से कैसा मिलता है। सो दिस इज द बेस LXI मॉडल। एंड बेस मॉडल होने के बाद भी यहाँ पे जो मच रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो सारी अवेलेबल है, इवन रियर एसी वेंट भी आपको मिल जाता है। सो फटाफट से शेयर करते हैं इसका एक डिटेल्स का वॉक अराउंड। सो राइट अवे व्हाइट कलर जो है ब्रेजा में वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। गाड़ी की जो लुक है वो और भी निकल के आती है, यानी कि और भी एनहांस हो जाती है। बहुत ही बिग एंड वाइट कार लगती है ये। वाइट कलर के अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है। वी गेट ग्रे कलर, रेड कलर, देन यहाँ पे सिल्वर कलर भी अवेलेबल है। जो सिल्वर है उसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है। एंड ये है फ्रंट लुक। और यहाँ पे आपको टेक बॉडी स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म मिल जाता है, यानी कि टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी। जो स्ट्रक्चर है ये वन ऑफ द बेस्ट दिया गया मारुति के लाइनअप में। साथ में यहाँ पे आपको कुछ ऐसे हेडलैम्प मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प दिए गए, हाई बीम लो बीम प्रोजेक्टर में है। देन यहाँ पे पार्किंग लैम्प और ये है टर्न इंडिकेटर्स। और कुछ ऐसी आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है कंप्लीट ग्रे फिनिश के साथ, क्रोम फिनिश के साथ। और फॉग लैम्प इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, वो सब अब बाद में लग जाएगा। और फ्रंट में आपको स्किड प्लेट भी इस मॉडल में नहीं मिलती, ब्लैक में ही मिलती है, वो भी आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये है साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल से ये कम्प्लीटली रेंज रोवर वाली लुक ऑफ होकर के, जो ये यहाँ पे ग्लास दिया गया क्वार्टर ग्लास, एंड जो ये स्लाइड हो रहा है ऐसे, बहुत ही बिग साइज की क्लैडिंग अवेलेबल है। आप देखेंगे व्हील आर्चेस पे जो क्लैडिंग दी गई है वो बहुत ही मैसिव है। यहाँ पे इस साइड पे, इस साइड पे, डोर्स पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी क्लैडिंग अवेलेबल है। लुक को भी अच्छा करती है, एनहांस करती है, साथ में डोर को अच्छी खासी प्रोटेक्शन भी देती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी यू कैन सी काफ़ी अच्छी दी गई है। और कंप्लीट जो डायमेंशन कंपेरिजन है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे 2 ईयर्स और 40,000 किलोमीटर्स की आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। 5 साल तक आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, एंड 5 साल के लिए आप रोड साइड असिस्टेंस अलग से परचेज कर सकते हैं फ्रॉम द शोरूम एंड, या फिर आप इंश्योरेंस जो कंपनी है आपकी उनसे भी आप से परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप किसी भी कार को ऑफर जानना चाहते हैं, डिस्काउंट जानना चाहते हैं, बिकॉज शोरूम एंड पे कहीं बार जो हिडन डिस्काउंट होते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं, उनके बारे में नहीं बताया जाता, प्लस इंश्योरेंस पे भी 40% से 70% तक ऑफ होता है, उसके बारे में भी नहीं बताया जाता, तो वो सब हम डिटेल्स जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक फॉर्म दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस फॉर्म को आप जस्ट सबमिट कर दें एंड जो भी डिस्काउंट्स एंड ऑफर आते जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो वो फॉर्म आप ज़रूर सबमिट करें। हर कार की सर्विस कॉस्ट वो भी 10 साल तक की हमारी वेबसाइट के ऊपर पोस्टेड है, तो वो आप चेक कर सकते हैं हर साल यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स चेंज होते हैं सर्विस में। तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं स्टील व्हील। अच्छी बात यह कि बेस मॉडल में भी कंप्लीट व्हील कवर दिया गया, तो कुछ आपको बाहर से ऐसे लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अच्छे लगते हैं। 215/60R16 16 इंच के टायर्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दिया गया, फोल्डेबल नहीं है। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे रूफ रेल्स नहीं दी गई इस मॉडल में, वो भी बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे शॉक फिन एंटीना। और यहाँ पे ये जो ग्लास दिया गया एंड टू एंड, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। सो इसके साथ जाके ये मर्ज हो जाता है, जो कि अगेन एक अच्छी लुक ऑफर करता है। एंड दोस्तों ये है रियर लुक। और सेफ्टी फीचर भी यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती है, डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, चाइल्ड लाइक सोफिक्स माउंट्स, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रोटेक्शनर एंड लोड लिमिटर, सेंट्रल लॉकिंग, रियर पार्किंग सेंसर, सारी सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप लिस्ट देख सकते हैं कंप्लीट अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड जो रियर लुक है ब्रेजा की वो बहुत ही आपको डिफरेंट मिलती है। बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे मटेरियल यूज़ करके आएंगे, काफ़ी स्लीक आपको टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, कंप्लीट LED टेल लैम्प्स, सेंटर में ब्रेजा की बैजिंग, लाइसेंस प्लेट की लाइट आपको हेलोजन में मिलेगी, यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग, और रियर में 2 सेंसर्स मिलेंगे। यहाँ पे स्किड प्लेट ब्लैक कलर की अवेलेबल है, बाद में यहाँ पे दूसरी लगवा सकते हैं। सो यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड अवेलेबल है, तो जैसे ही गाड़ी हॉल्ट करती है, यानी कि गाड़ी रुकती है, तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाता है, लेकिन बाकी सब कुछ ऑन रहता है बिकॉज गाड़ी आ जाती है बैटरी पर। और यहाँ पे एक सेकेंड बैटरी पैक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, तो इस वजह से जो माइलेज है गाड़ी की वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। और रियर बम्पर पे आपको कोई स्किड प्लेट नहीं मिलती, बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। 4 सेंसर्स अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे सिंगल बटन दिया गया है अनलॉक करने के लिए, जो इसके ऊपर वाले मॉडल है वहाँ पे आपको 2 बटन मिलते हैं, अनलॉक का अलग, लॉक का अलग, लेकिन कुछ इतना उसका फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। दिस इज़ द टोटल बूट स्पेस। सो बूट स्पेस आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है।
कोई यहाँ पे लगेज लैंप अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप 350 में लगेज लैंप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक आपको हुक मिल जाता है, साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये है स्पेयर टायर जो कि स्टील व्हील मिलेगा, एंड आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं 215/60 R16 फुल साइज़ का दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 80 की स्पीड से ऊपर भी आप इस टायर को लगा के चला सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। चाइल्ड लाइट्स ऑफ एक्स माउंट्स अवेलेबल हैं, बेंच फोल्डिंग सीट दी गई है तो कम्प्लीटली ऐसे फोल्ड हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ब्रेजा में ऐसा फीचर आता है जो कि बाकी किसी कार में नहीं मिलता, अर्बन क्रूजर में मिलता है लेकिन और किसी में नहीं मिलता। एक टाइम पे फोर्ड इको स्पोर्ट में मिलता था लेकिन वो बंद कर दिया गया। तो ये सीट ऐसे फोल्ड हो जाती है और इसके बाद ये फोल्ड हो जाता है ऐसे और आपका बन जाता है एक कम्प्लीट फ्लैट बेंच। और अगर आप जैसे टूर वगैरह ज़्यादा करते हैं, अगर आप सामान वगैरह इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपके लिए फ़ीचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पूरी यहाँ पे ये सीट ही फोल्ड हो जाती है। और न्यू ब्रेजा में भी है ये, पुरानी ब्रेजा में भी था फीचर, तो अच्छी बात है कि इन्होंने फ़ीचर अभी भी रिटेन करा हुआ, हटाया नहीं हुआ। यहाँ पे पार्सल ट्रे और जितनी भी एसेसरीज़ हैं दोस्तों सब इंस्टॉल हो जाती है, उसके लिए आप दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। सो यहाँ पे कोई डीजल इंजन मारुति की लाइनअप में अब अवेलेबल नहीं है, एंड ना ही कोई अब डीजल इंजन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, मैनुअल गियरबॉक्स एंड ऑटोमेटिक दिया गया, जो ऑटोमेटिक है दैट इज स्टॉक कन्वर्टर। और साउंड रेटिंग मटेरियल काफ़ी यूज़ करे गए हैं, वहाँ पे भी यूज़ करे गए हैं। जो अंडरबॉडी इंजन गार्ड है वो आपको मिल जाता है, थोड़ी सी ओवर कवरिंग होनी चाहिए थी, पूरी फुल कवरिंग तक आपको नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी अच्छी ये प्रोटेक्शन दोस्तों ऑफर करता है। तो अंदर जो रैट कैट पिजन वगैरह वो जल्दी अंदर आराम से नहीं घुस सकते, और वायरिंग वगैरह डैमेज होने से आपकी कुछ हद तक बच जाती है। एंड लुक एट द कार, और जैसा मैंने आपको बताया कि बेस मॉडल से ही आपको सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो बेस मॉडल से ही दोनों कीज़ आपको जो मिलती है वो है रिमोट की। तो आपको यहाँ पे बाद में रिमोट की भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे हम यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये है डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पे ऑल ब्लैक इंटीरियर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप इंटीरियर्स का जो कलर थीम है वो चेंज करवा सकते हैं। ऑलरेडी मैं जो दूसरी वाली वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। और यहाँ पे फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती ड्राइवर साइड के लिए। इसी के साथ क्लच फुट रेस्ट अवेलेबल है, राइट साइड से यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं बोनेट को, यहाँ से फ्यूल लिड को। इसी के साथ यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स दिए गए हैं सारे एल्यूमिनेटेड हैं, तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप के लिए, और ये है हेडलैम्प लेवलर। और यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलते हैं सिर्फ यहाँ पे ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच दिया गया एल्यूमिनेटेड, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है और ऑटो अप भी दिया गया एंटी पिंच के साथ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, जैसे मैंने आपको बोला मोस्ट असेंशियल फीचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारी जो गाड़ियाँ हैं उनके इवन टॉप से नीचे वाले मॉडल में भी आपको ऑटो अप का फंक्शन नहीं मिलता, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, नॉट फोल्डेबल। यहाँ पे पावर डोर लॉक स्विच, यहाँ पे लेदर वगैरह बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड स्पीकर की स्पेस दी गई है, साथ में बॉटल होल्डर और डोर पॉकेट, और ऊपर यहाँ पे ट्विटर्स की स्पेस। और यहाँ पे बैठना और उतरना बहुत आसान है, इजी इन एंड आउट मिल जाता है। जब आप इसको ड्राइव करते हैं तो बहुत ही तगड़ा आपको यहाँ पे व्यू मिलेगा, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बिग साइज़ की एक SUV ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा फील नहीं होता। लाइक मतलब बहुत ही बल्की नहीं है, बहुत ही ईजी टू मैनूवर है ये। कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, लेदर आप बाद में करवा सकते हैं। एंड टिल्ट एडजस्टमेंट टेलीस्कोपिक नहीं दी गई, स्टेयरिंग कंट्रोल्स, म्यूज़िक सिस्टम, 360 कैमरा सब बाद में इंस्टॉल हो जाते हैं। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। एंड काफ़ी सारी यहाँ पे जो है फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि ये बैटरी की इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिजिटल क्लॉक, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT, और गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, बट आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे शो नहीं होता। इसी के साथ यहाँ पे डुअल ट्रिप मीटर भी आपको मिलेगा, और कैबिन की जो ओवरऑल इल्यूमिनेशन है उसको भी यहाँ से हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं इस नॉब को अगर हम रोटेट करेंगे।
तो यहाँ पे मल्टीपल स्टोरेज एरियाज अवेलेबल है, आप इस बात में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं कम्फर्टेड। और इसी के साथ गई जी है इन्वॉल्व की ऑरा परफ्यूम, हाई क्वालिटी ऑयल्स ब्लेंड करे गए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफ्रेशिंग परफ्यूम है। जस्ट जैसे आप हैंग करेंगे, दो बारी तीन बारी स्प्रे करेंगे, दो से तीन महीने ये आराम से चल जाती है। अभी कभी विजिट करें involvyoursenses.com पे, यूज कूपन कोड टीम कार डिलाइट। एंड ये है गियर नॉब, तो यहाँ पे ब्लैक फिनिश दी गई है। रियर में यहाँ पे सेंसर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे सेंसर का प्रॉपर आपको डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है। देन एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया, मैनुअल एसी अवेलेबल है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया इस मॉडल में। एंड ये है ग्लव बॉक्स, बिग साइज है ग्लव बॉक्स। और यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं है, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता। टॉलर सीट होल्डर दिया गया, डे एंड नाइट IRVM। और अब चेक करते हैं रियर सीट्स, जो फ्रंट सीट्स हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, स्पेशली जो अपर बैक सपोर्ट है, जो लोअर बैक सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा दिया गया, इम्प्रूव करा गया है यहाँ पे। तो लॉन्ग जर्नीज, लॉन्ग ट्रिप्स अब आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी। इन एंड आउट बहुत इजी है। और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो फ्रंट सीट से भी बेटर रियर सीट में दिया गया। रियर सीट का जो ओवरऑल विड्थ है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा दी गई है, तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। रियर सीट में यहाँ पे सरप्राइजिंगली कोई हेडरेस्ट नहीं दी गई, लेकिन वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। रियर में आर्मरेस्ट भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हो जाएगी। और फ्रंट सीट्स के बैक में यहाँ पे पॉकेट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट आप बाद में लगवा सकते हैं। ग्रैब हैंडल दिया गया है विद कोट हैंगर दोनों ही साइड पर। सेंटर में एक हेलोजन लैम्प आपको मिल जाता है विद थिएटर डिमिंग फंक्शन। और रियर डोर्स पे भी स्पीकर की स्पेस दी गई है, बॉटल होल्डर अवेलेबल है, पावर विंडो कंट्रोल्स आपको मिल जाती है, इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का। और साथ में गाइस जितने भी ऑफर एंड डिस्काउंट की डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से वो फॉर्म को जरूर सबमिट कर दें एंड विजिट अवर वेबसाइट। और ये है डैशबोर्ड के लुक, तो बहुत कुछ आप इंटीरियर में यहाँ पे कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। एंड दिस मॉडल मेक्स इट वर्थ इट, बिकॉज काफ़ी सारे जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं।